जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद ने स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट अनाउंस कर दी है जिसकी डेट 21 मई है। इसका मतलब ये है कि बाकी समर की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। एम्बेसी ने डेट तो अनाउंस कर दी है लेकिन टाइम अनाउंस नहीं किया। तो टाइम एम्बेसी अनाउंस नहीं करती, ये हमें खुद जज करना होता है। अगर हम प्रीवियस सेशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विंटर 23 की बात करूँ, तो एम्बेसी ने जो अपॉइंटमेंट दी थी वो अराउंड पाकिस्तानी टाइम सुबह 6:30 के अराउंड आपकी अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी। और इसी तरह अगर मैं समर 24 की बात करूं तो 22 मई को एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट्स अनाउंस की थी कि हम ओपन करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट डे उस रात को 12 गुजरने के बाद अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हुई। तो नेक्स्ट डे जाके शाम को तकरीबन पाकिस्तानी टाइम 4:10 अपॉइंटमेंट ओपन की थी। तो वो लोग जिनको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये एम्बेसी का अपॉइंटमेंट सिस्टम ऐसा है कि अब क्यू बेस्ड एम्बेसी अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है, वो एक दिन को अपॉइंटमेंट खोलते हैं, तो जिन्होंने फर्स्ट 3-4 मिनट के अंदर अपॉइंटमेंट बुक कर ली उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, बाकी सबकी अपॉइंटमेंट जो है वो एम्बेसी कैंसिल कर देती है। लेकिन जो कराची वाले हैं उनके अपॉइंटमेंट सिस्टम डिफरेंट है, उसका लिंक ऊपर नज़र आ रहा होगा। और 3.7 CG पे जिनका है उनका अपॉइंटमेंट सिस्टम भी डिफरेंट है। आखिर में मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। पहली मेरी एडवाइस आपको ये है कि आपने गूगल का ऑटो फिल ऑप्शन यूज़ करें, उससे ये होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जल्दी फिल हो जाती है। सेकंड, मैं आपको रिकमेंडेशन ये दूंगा कि आप क्या करें कि आप इस वेबसाइट पे जाएं, इस वेबसाइट पे जाके आप इसको कंटिन्यूसली स्क्रॉल करें जब तक आपको विंटर 24-25 की अपॉइंटमेंट शो नहीं हो जाती। और तीसरा, आप खुद आपस में कुछ ग्रुप्स बना लें ताकि जिसको भी अपॉइंटमेंट नज़र आए वो उसके अंदर अनाउंसमेंट कर दे और बाकी सारे बुक कर लें। तो आपको विद इन 4 मिनट के या 5 मिनट्स के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।